जब हम कई बार डिप्रेस्ड होते हैं तो लोग हमें कहते हैं बी पॉजिटिव। उस टाइम मन करता है उनको हम खूब कूटें ना, गुस्सा आता है कि वो एक तो हम ऑलरेडी परेशान हो, पर से तुम कह रहे हो बी पॉजिटिव। तो देखिए, इस कंडीशन में जब आप डिप्रेस्ड है, परेशान है, सैड है, चिंतित हैं, आप सोच रहे हैं कुछ, टेंस्ड हैं, तो उस केस में आपको अपनी थेरेपी खुद ही करनी रहेगी। मैं उन क्रिटिकल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ बिल्कुल ही सुसाइडल थॉट्स हैं या आपको थेरेपी चाहिए, यू आर इन ट्रॉमा, यू नीड अ श्रिंक और अ साइकोलॉजिस्ट। मैं बात कर रही हूँ जब आप ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों से परेशान हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो उस केस में देखिए, सबसे पहले तो आप या हर कोई ऐसा ही करता है, इंक्लूडिंग मैं भी, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। हम जंक फूड खाते हैं, हम सारा दिन पलंग पे लेटे रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम यूट्यूब देखते रहते हैं, हम गाने सुनते रहते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये तो है सर्वाइवल स्टेज कि यार आज दिन कैसे तैसा निकल जाए। दूसरा होता है स्टेज जहाँ हम सोचते हैं कि मेंटेनेंस करते हैं कि अब बहुत हो गया ये सब, यू नो, अब थोड़ा कुछ लाइफ कंट्रोल लेते हैं। तो चलो, आज मेरा जंक फूड खाने का मन है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा काम करने का मन नहीं है लेकिन मैं काम करूंगा, आज मैं सारा दिन लेटूंगा नहीं, चलो सफाई करता हूँ, चलो कुछ करता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस स्टेज। और तीसरी स्टेज होती है हीलिंग स्टेज, जहाँ आप कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो, आपको लगता है नहीं, आप आई नीड टू गेट बैक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, एंड यू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग एज पर रूटीन जो आपको करना है। आप हेल्दी खाते हो, आप जंक फूड नहीं खाते, आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप नेटफ्लिक्स सारा टाइम नहीं देखते, आप बिंज वॉचिंग नहीं करते, यू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ, आप काम स्टार्ट करते हो, आप योगा करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ऑफिस का काम स्टार्ट करते हो, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करते हो, अदरवाइज आप कुछ दिनों से लोगों से मिलना जुलना भी अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उस पर एनर्जी खर्च होती है। तो ये स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन है जो सबकी लाइफ में आती है और ज़रूरी है कि हम इसको ओवरकम करें और इससे अफेक्ट ना हो और जल्द से जल्द हम सर्वाइवल से मेंटेनेंस और मेंटेनेंस से हीलिंग स्टेज में आने की कोशिश करें।